तो मैं इसी मुद्दे पर विधानसभा से इस्तीफा दूंगा। इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ और उसके बाद किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो मैं इसी मुद्दे पर विधानसभा से इस्तीफा दूंगा। इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ और उसके बाद किसी को छोड़ूंगा नहीं। हम लोगों को सूची बता रहे कितने कर्मचारी क्या हमारा काम कर रहे हैं, वो ऐसा तो हम लोग पता नहीं चला कि क्या प्राइवेट आदमी है क्या सुनील का सवाल है कौन है इन लोगों का करते हैं। एक से साथ एक हफ्ता नहीं है लिखित बात का करीब पेटकली आई कोई बिजली बिल आप संग नहीं करते हैं कहीं नहीं करते हैं। मैं प्रभात स्थान का प्रभाव अपनी बैठ के मत बताइए प्रभाव मैं जो पेटकली बात कर रहा हूँ करिए कोई नहीं सब करते हैं। कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हाजरा अंसारी और इस वक्त हम हैं विधानसभा खड्डा के नगर पंचायत खड्डा में और हमारे साथ में हैं संतोष जायसवाल जी व्यापार मंडल कुशीनगर के जनप्रतिनिधि हैं जो कि जनता की समस्याओं को लेकर हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में जो कि जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच में हुई है वहाँ पर हमारे विधानसभा खड्डा के विधायक विवेकानंद पांडे ने एक बहुत ही बड़ी बात कही है और वो बात यह है कि यदि जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा और ख़ास कर मुद्दा रहा बिजली विभाग। और कुछ दिन पहले एक दो दिन पहले संतोष जायसवाल जी जो कि व्यापार मंडल के जनप्रतिनिधि हैं इन्होंने भी इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई थी। मुद्दा क्या था, कारण क्या था और इन्हें हेडिल पे जाना पड़ा, वजह क्या थी जानते हैं। नाम क्या है आपका और पद क्या है आपका यहाँ पर? सबसे पहले सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं संतोष जायसवाल जिलाध्यक्ष युवा व्यापार मंडल कुशीनगर और मैं वर्तमान समय में नगर पंचायत खड्डा में जो है निवास करता हूँ और यहीं से पूरे ज़िले का प्रतिनिधित्व करता हूँ। व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, व्यापार मंडल का प्रतिनिधित्व करता हूँ, व्यापार मंडल खड्डा का भी मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। दो दिन पहले आपके फेसबुक प्रोफाइल पे हेडिल पर जाकर और अधिकारियों से कुछ वाद विवाद हुआ था बिजली को लेकर, कारण क्या था? विगत 48 घंटे से हमारे यहाँ शनिवार और रविवार के दिनों में दो दिनों से बिजली हमारे यहाँ एकदम गायब थी। इससे लेके क्षेत्र की जनता में काफ़ी आक्रोश था और जनता तमाम तरह की बातें सरकार के विरुद्ध सोशल मीडिया पे और कह रही थी, जबकि पिछले कई वर्षों से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार काल में बिजली का व्यवस्था सुचारू रूप से बहुत अच्छी चल रही है। 22 घंटे 20 घंटे की बिजली पूरे क्षेत्र में मिलती है। यह क्षेत्र के अधिकारियों की घोर उदासीनता कहिए, लापरवाही कहिए, जिसके कारण क्षेत्र में बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है और यहाँ माननीय विधायक और माननीय सांसद और हम जैसे जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध जो जनता मुखर होने लगती है, आवाज़ करने लगती है, जबकि सच्चाई यही है कि पूरे जिले जनपद में हमारे विधायक और माननीय सांसद जनता के हितों के लिए एकदम हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसा जनप्रतिनिधि मिलना हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि पूरे जनपद में अपना घर परिवार और सारी चीज़ों को छोड़ करके हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता की भलाई के लिए सोचते हैं। और माननीय विधायक जी ने अगर दो दिन कल के स्टेटमेंट में ये कहा है कि अगर इस्तीफा मैं दे दूंगा तो कहीं ना कहीं उनका दर्द है, इसलिए है कि अधिकारी कहीं ना कहीं उनकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बार बार अधिकारियों से हमारा बाता कही हो, लड़ाई हो, इसलिए उन्होंने आवेग में यह कहा कि उसे जनता अधिकारी चेते और जनता की समस्याओं को सुने और कहें उसका निवारण करें तत्काल प्रभाव से। बिजली विभाग के अधिकारियों ने अपना पोर्टल पे व्हाट्सएप पे बना रखा है, जनता उनसे बातें करती है, अपनी समस्याओं को रखती है, लेकिन वहाँ भी उनकी बातों को नहीं सुना जाता है। फ़ोन करने पे अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब 48 घंटे जिस क्षेत्र में फॉल्ट की समस्या बनी रहेगी वहाँ जनता आक्रोशित ही होगी। इसमें सरकार की कोई कमी तो है नहीं, सरकार पूरी बिजली दे रही है लेकिन ये लोग मौके पर काम ही नहीं कर रहे हैं, केवल अवैध वसूली में लगे हुए हैं। अवैध असूली का क्या मतलब? अवैध असूली क्या है, जैसे बिजली का कनेक्शन लोगों के घरों में हुआ है, ये लोग जाकर के काट दे रहे हैं बिजली, किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का 20,000 बकाया है, तो बिना सूचना के, बिना किसी नोटिस के उनके घरों की जाके बिजलियां काट दी जा रही हैं। जबकि सिस्टम यही है कि अगर बिजली बकाया है तो आप उनको नोटिस दीजिए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन का मौका दीजिए, उनको विद्युत वितरण केंद्र पर बुलाइए, उनकी समस्याओं से अवगत होइए, उनको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट जमा करने के लिए कहिए, तब जाकर अगर वह असक्षम है तो फिर उनकी बिजली काटिए। यहाँ बिना बताए ही जिस दिन पहुँचे उसी दिन बिजली धड़ाधड़ काट दे रहे हैं। इससे भी जनता जो है सरकार के प्रति और जो जनप्रतिनिधि उनके प्रति आक्रोशित हो रही है कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है।
तो ये मैं मौके पर ये कहना चाहूँगा, जितने भी विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो जनता के हितों को ध्यान रखें, अन्यथा सरकार तो कार्रवाई करेगी इनके ऊपर। हो ना हो, विधायक जी जनता की समस्याओं से त्रस्त होकर ही उन्होंने ये शब्द कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है जब एक जनप्रतिनिधि जो कि हर वक्त जनता के बीच में रहता है, जनता की समस्याओं को सुनता है और जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता है इसको लेकर, और क्षेत्र में इतनी दिक्कत, इतनी परेशानियां, इतना पब्लिसिटी बनाने के बाद जब वो सत्ता में आता है और उसी जनता की समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, तो जाहिर सी बात है कि त्रस्त होने के बाद ही उन्होंने यह फैसला लिया होगा और उन्होंने ये शब्द कहा होगा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। जहाँ की ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटा और शहरी क्षेत्रों में 22 घंटा बिजली दी जाती है, तो क्या आप शहरी क्षेत्र में रहने वाले हैं, नगर पंचायत खड्डा है, तो आप लोगों को 22 घंटा बिजली मिलती है या? कुछ दिन पहले तक बिजली समस्या इस क्षेत्र में नहीं थी, 20 घंटे 22 घंटे बिजली मिलना करती थी। कभी इनका प्रकरण कभी थोड़ा बहुत फॉल्ट होता था तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बिजली कट जाया करती थी, लेकिन इस समय केवल अधिकारियों की उदासीनता की वजह से बिजली ज़्यादा समय तक गायब हो रही है। उससे व्यवसाय भी प्रभावित होता है, हमारा व्यापारी भी प्रभावित होता है। बिजली नहीं रहती है तो दुकानों पे जो भी कमर्शियल यूज़ की चीज़ें हैं वो बंद रहते हैं, उससे जो है दिक्कतें पैदा होती हैं, व्यापार करने में दिक्कत होती है। क्षेत्र में किसानी है, खेती है, पढ़ने वाले नौजवान आजकल जान ही रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी दिक्कतें आती हैं, हॉस्पिटल है, हर किसी को दिक्कत है। सारी चीज़ें जो है बिजली से ही चलनी है, और बिजली जब 24 घंटे 48 घंटे गायब रहेगी तो खामखा जनता परेशान होगी। तो अधिकारियों को चाहिए कि अधिक से अधिक जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करके जो भी समस्याएं रहती है उसका निवारण। जैसा कि विधायक जी ने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, और इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी यदि अधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, तो जनता क्या कहेगी अधिकारियों के लिए? देखिए, अधिकारी अगर बार बार इन समस्याओं को सामने रखेंगे और समाधान इसका नहीं करेंगे तो पूरे व्यापारी समाज इसका विरोध करेगी। पहले तो हम उनको नोटिस करेंगे कि 2 बार 4 बार उनको मौका देंगे कि चीज़ों को सुधार लें, अगर सुधारते नहीं हैं तो पूरा व्यापार मंडल इसका विरोध करेगा, बाज़ार बंद कर उनके खिलाफ जो आंदोलन खड़ा करेगा। इससे पहले भी कई बार विधायक जी से बात हो चुकी है, हम लोग इस समस्या को उनसे रखे भी थे और उन्होंने कहा था कि हम बार बार बिजली विभाग में जो भी SDO हैं या फिर बिजली विभाग के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे वार्ता करते हैं और वो फ़ोन तक नहीं उठाते। तो जब जनप्रतिनिधि जो कि विधानसभा का विधायक है उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं तो जनता का फ़ोन वो लोग कहाँ तक उठाते होंगे और कहाँ तक उनकी समस्याओं का समाधान करते होंगे, आप इसका अंदाज़ा स्वयं ही लगा सकते हैं। और यहाँ पर बिजली की समस्या इतनी अधिक है कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी है जहाँ पर देखा जाए तो टार्च जलाकर यहाँ के डॉक्टर हैं वो इलाज करते हैं। बिजली की समस्या की वजह से इन्वर्टर अगर है तो दो से तीन घंटा चलता है क्योंकि हॉस्पिटल बड़ा होता है, और बिजली ना होने की वजह से मरीजों को भी बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो हम आपको एक डॉक्टर का भी इसमें बयान दिखाएंगे कि हॉस्पिटल में कितनी समस्या है बिजली की वजह से। लाइट की व्यवस्था काफ़ी दिनों से यहाँ पे गड़बड़ है, उसके लिए मैंने अपने माननीय विधायक जी को भी एक लेटर दे दिया है, CMO सर को भी दे दिया है, इवन कि हमारा जनरेटर भी लगभग ख़राब है 10 दिन से आसपास, और उसमें 20-22 हज़ार रुपये लगने तक की बात है, और उसको मैंने दिया है CMO सर के संज्ञान में, हो सकता है 2-4 दिन में वो बन जाए। बाकी लाइट की व्यवस्था इस समय OPD के टाइम ही कटती है और 2-3 बजे तक नहीं रहती, जिससे हमारा इन्वर्टर भी 2-3 घंटे तक चलता है, उसके बाद इन्वर्टर भी बंद हो जाता है। तो अब इस कंडीशन में सुधार में ही है, अब मांग यही करते हैं कि अगर लाइट की व्यवस्था अच्छी हो जाती तो ठीक है, नहीं तो विधायक जी से संपर्क करके इसमें सोलर सिस्टम की व्यवस्था करवानी होगी। अब उन पे तो आप देख सकते हैं, मैं खुद यहाँ भीड़ इतनी थी कि मैं यहाँ पसीने में भीगा हूँ, मैं खुद उसी प्लेटफार्म पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे हमारे मरीज हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए कुछ अलग से व्यवस्था किया हूँ, उन्हीं में हमें काम करना है, जो व्यवस्थाएँ हमें मिल रही है हम उन्हीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बिजली विभाग की समस्याओं को लेकर जैसे ही विधायक विवेकानंद पांडे का यह बयान सोशल मीडिया पर आया वैसे ही सोशल मीडिया यूजकर्ता ने अपनी अपनी राय व्यक्त की है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और कुछ लोगों ने यह कहा है कि यह तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई, जो जिस तरीके से समझे उसे उसी तरीके से समझाना चाहिए। आपकी क्या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में
जरूर लिखें, अपनी राय जरूर दें और इन्हीं तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजरा अंसारी।